हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम असम की ट्रेडिशनल साड़ी मेखला चादर को पहनने का सही तरीका देखेंगे। वैसे तो वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे अपलोडेड हैं, लेकिन कुछ सही कुछ गलत कुछ मिला जुला इस टाइप से हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सही तरीका लेकर आई हूँ उसको ड्रेप करने का। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो असम की साड़ी को जिस तरीके से मेखला चादर कहा जाता है, आप यहाँ पर दो वर्ड आसानी से सुन सकते हो, तो उसी टाइप से ना इसकी साड़ी भी आती है। ये दो पार्ट्स में होती हैं, एक होता है मेखला, दूसरा होता है चादर। चादर को पहचानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चादर होगी ना उसके दोनों ही कॉर्नर्स पे सेम बॉर्डर लाइन रहती है, ये आपका चादर होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा मेखला होता है। हालांकि ऑनलाइन जब आप इसको परचेज करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा स्टिच किया हुआ, ये आपको दोनों ही साइड से खुला मिलेगा, लेकिन हम इसको पहनते जब है ना तो हम इसको स्टिच कर लेते हैं। यही ट्रेडिशनल वे होता है इसको ड्रेप करने का। तो पहले हमें इसके दोनों ही कॉर्नर को उल्टा कर हमें इसको स्टिच करना होगा, उसके बाद ही हम अपनी ड्रेपिंग में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसको सीधा करके हम ना कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की साइड से अपने बॉडी पे डालेंगे। अब इसको ड्रेप करने के लिए हमें अपना स्टिच किया हुआ वो लाइन पकड़ना है और इसको बराबर करते हुए हमें जाना है अपने कमर तक। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको लाना है और इसको ना हमें पहले तो टक कर देना है ताकि आगे के स्टेप्स करने के लिए हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। टक करने के बाद इसमें जो हमारी प्लीट्स बनती हैं उसकी डायरेक्शन आपके राइट हैंड की तरफ होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे नॉर्मल साड़ी को पहनने से इसके जो भी स्टेप्स होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। अब यहाँ पे प्लीट बनाने के लिए मैं अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कुछ इस तरीके से फैब्रिक पे सेट करूंगी और वन बाय वन इसको गैदर करते चलूंगी। प्लीट जो होनी चाहिए वो आपकी नैरो होनी चाहिए, पतली प्लीट्स आपके इस साड़ी पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पुरानी जो मेखला चादर आती थी ना ऑनलाइन, वो उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पास एक और है पड़ा हुआ, लेकिन ये इस टाइप का लेंथ मैंने पहली बार ही देखा है। बट हाँ, पहनने का तरीका हमारा चेंज नहीं होगा, लेंथ भले ही कितना ज़्यादा क्यों ना हो, हम इसको इसी तरीके से ही पहनेंगे जो इसका ट्रेडिशनल वे है। अब हर एक प्लीट को टक करने से पहले हमें देखना है कि प्लीट जो है वो सही तरीके से सेट हुई हैं या नहीं। जब ये सेट हो जाए तो हम अपनी पूरी प्लीट को अपनी राइट हैंड की तरफ घुमा देंगे और ठीक अपनी बेली बटन के पास इन सभी को टक कर देंगे। तो यहाँ पे जो प्लीट्स आप बनाते हो ना, अगर हर एक प्लीट के बीच में आप एक गैप मेंटेन करते हुए चलते हो तो आपकी प्लीट काफ़ी परफेक्टली सेट होगी, जिस तरीके से यहाँ पे मेरी हुई है। तो बॉटम पार्ट तो हमारा ड्रेप हो गया। अब हम अपने अपर बॉडी पार्ट की ड्रेपिंग के लिए यहाँ पे इसका दूसरा हिस्सा ले लेंगे। इस दूसरे हिस्से को हमें सीधा करते हुए ना अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। जो कॉर्नर आपके लेफ्ट हैंड पे आएगा उस कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है आपको प्लीट बनाना। अब जैसे प्लीटिंग आप अपनी दुपट्टे पे करते हो या साड़ी पे करते हो, ठीक उसी टाइप से आप इसमें भी प्लीटिंग कीजिए। और यहाँ पे फैब्रिक को देखते हुए ना मैंने ज़्यादा पतला प्लीट नहीं बनाया है, क्योंकि अगर मैं पतले प्लीट बनाती तो ये मुझसे ही मैनेज नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने नैरो साइज ही रखा है इसका। अब पूरी प्लीट को ना एक जगह पर अच्छे से पकड़ कर पिन लगा दीजिए। पिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप कपड़े सुखाने की जो पैक आती हैं या फिर कोई भी क्लिप क्लचर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम आगे की लेंथ को ना जब पकड़ेंगे तो अगर गलती से हमारा प्लीट छूट भी जाता है तो कहीं ना कहीं एक जगह पे तो ये अच्छे से सेट रहेगा ही। तो इसीलिए आपको दोबारा से अपने प्लीट ना गैदर करना पड़े, उसके लिए आप इस टाइप से पहले से ही अपने साड़ी की एक कॉर्नर पे पिन लगा कर रखिए, क्लिप लगा कर रखिए या क्लचर लगा दीजिए। तो चादर की हाफ लेंथ आप इसको प्लीट में अरेंज कर सकते हो और जो हाफ लेंथ है आप उसको खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको हमें ना इस तरीके से सेट करना है। इसका ये हमारा दूसरा बॉर्डर लाइन जो है हमें इसको वाटरफॉल प्लीट में सेट करना है। और चाहो तो आप इस तरीके से करके ना आयरन भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आयरन करने की झंझट नहीं लेती हूँ, मैं अपने हाथों से इसको प्रेस कर देती हूँ। अब इसको बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे हम अपनी प्लीट के ना बिल्कुल सेंटर पे और फिर इसको हम टक करेंगे। तो वैसे तो पहनने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पहनते ही हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है मेखला चादर को पहनने का वो यही है।
तो इसमें हमें वाटरफॉल टाइप के प्लीट्स बनाने हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए फैब्रिक का नेचर आपका कुछ इस टाइप का है कि टक करने के बाद वो एक जगह पे नहीं रह पा रहा है, या फिर इसको घुमाने के बाद ये हल्का सा अपनी जगह से हट रहा है, तो आप यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा सकते हो ताकि ये जो आपका प्लेस है ना वो वहीं पर सिक्योर रहे अच्छे से। तो वाटरफॉल प्लीट्स अगर आपके खुलने की इस तरीके से बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको भी बाद में पिन से सिक्योर कर सकते हो, बट पहले आपको लगाना होगा अपने कंधे वाली प्लीट को, तभी आप यहाँ पे पिन लगाइए। तो प्लीट्स तो हमने पहले ही बना रखे थे, तो अब इसको हमें केवल कंधे तक ले जाकर पिन से सिक्योर कर देना है। अब यहाँ पे आपको पिन कहाँ पे लगाना है वो आप देख लीजिए, आपका हाथ जितने दूर तक पीछे जा रहा है वहाँ पे पिन लगा सकते हो। और पिन लगाने के बाद अगर आपके साथ प्रॉब्लम होता है कि आपने जो गले में चोकर पहना हुआ है या जो भी ऐसे ज्वेलरीज पहने हुए हैं जो नेक से बिल्कुल टच में है, और अगर आपकी वो ज्वेलरी जो है वो उसके ऊपर कपड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक और पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके नेक लाइन से बिल्कुल नीचे की तरफ, सॉरी शोल्डर से बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगी ये पिन, और इसमें आप सभी पिन प्लीटों को एक जगह पे एक पॉइंट पे लाकर एक पिन यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि कमर के पास जो हमारा ये वाटरफॉल प्लीट बना है इसको भी सेट करने के लिए आप पिन लगा सकते हो, लेकिन एंड पे आपको लगाना है। एंड पे इसीलिए लगाना है क्योंकि जो फैब्रिक है हमारा वो हमें अपने कमर तक कितना रखना है, कितना लाना है, कितना टाइट करना है, वो आपको एंड पे ही पता चलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी वाटरफॉल प्लीट की पहली लेयर को हटाकर पिन ऊपर से ही लगा सकते हो। तो इस मेखला चादर में भी आप अपने चाहो तो लेफ्ट साइड की कमर की शेप को क्लीन लुक दे सकते हो। उसके लिए आपको जो कमर के पास छोटे छोटे प्लीट्स बन रहे हैं उसको बस आपको नीचे की तरफ कर देना है, और नीचे की तरफ करके आप अगर परमानेंटली इसको सेट करना चाहते हो तो आप पिन लगा सकते हो। तो हमारी मेखला चादर ऑलमोस्ट ड्रेप हो चुकी है। अब आप चाहो तो लुक इन्हेंस करने के लिए अपने तरफ से वेस्ट चेन या वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हमने जहाँ कहीं भी अननेसेसरी पिन यूज़ किया था अब हम उसको रिमूव कर देंगे। तो वैसे तो मैं असम से नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस साड़ी के ऊपर बहुत रिसर्च किया है और रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने अपना 100% दिया है इस साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करने के ऊपर। तो आप अगर असम से हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपकी ट्रेडिशनल साड़ी को मैंने परफेक्टली ड्रेप किया है या नहीं, और अगर कहीं पे भी आपको फॉल्ट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कई लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना तो आप लाइक के बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोज़ लाने के लिए। तो जो लोग असम से हैं अगर उनको इस वीडियो में कहीं भी फॉल्ट नज़र आती है तो मैं उनसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा मकसद आपके ट्रेडिशन को या आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है। मुझे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कुछ भी मुझे मिला मैंने उसको अपनी कड़ी मेहनत से इस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सुबह।